शांत हो जाओ। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। इससे पहले तुम लोग को पढ़ा दिए हैं आर्टिकल पूरा पढ़ा दिए हैं, ए एन और द का यूज पढ़ा दिए थे। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? उसके बाद पर्सन पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे पर्सन। के बाद क्या पढ़ाए थे? सिंगुलर पुरलर भी बता दिए, सिंगुलर से पुरलर में कैसे बदला जाता है बता दिए थे ना। उसके बाद तुम लोग केस ही पढ़ा दिए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, इसे पढ़ा दिए थे ना। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि प्रीपोजिशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम लोग, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो टेंस से बताएंगे ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, तो प्रीपोजिशन का बहुत यूज होगा। इसलिए प्रीपोजिशन पहले पढ़ा देते हैं अभी छोटा छोटा सा, उसके बाद उसका टेंस में डायरेक्ट यूज होगा तो टेंस में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? और वर्ब के जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? और टेंस में तुम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है टेंस पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहा है? प्रीपोजिशन क्या पढ़ रहा है? चलिए यहाँ डे प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है देखे। प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलके बना है, एक बना है प्री, क्या बना है? पोजिशन। एक क्या बना है? यानी प्री और पोजिशन के मिलने से क्या बना है? प्रीपोजिशन। क्या बना है? प्री। प्री मतलब होता है के पहले, प्री मतलब क्या होता है? के पहले, के और पोजिशन मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान। यानी प्रीपोजिशन जो है ना किसी भी वाक्य में जो है, प्रीपोजिशन जो है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के स्थान के पहले आता है। कहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रीपोजिशन जो है हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के स्थान से पहले आता है, स्थान से पहले आता है, और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता। जैसे यहाँ पर ध्यान दे, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर मान लो दे दिए राम के लिए, क्या दे दिए? राम के लिए, राम के लिए। तो यहाँ के लिए क्या है? प्रीपोजिशन है। और के लिए क्या होगा? फोर। क्या होगा? तो तुम लोग इस तरह नहीं लिख देना इसका, इसका राम का राम लिख देना और फोर का फोर नहीं लिख देना, हो जाएगा गलती। राम फोर होता है क्या? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। यानी राम फोर ना होगा, क्या होगा? फोर राम होगा। क्या होगा? फोर राम, फोर राम, समझा? उसी प्रकार मान ले बोल दिए हम क्या बिहार से, क्या बोल दिए? बिहार से। तो से का यहाँ पर होगा फ्रोम, क्या होगा? फ्रोम। तो फ्रोम पहले आएगा, बिहार बाद आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फ्रोम बिहार। क्या होगा? फ्रोम बिहार, फ्रोम बिहार। उसी प्रकार मान को लिख दिए प्रधानमंत्री द्वारा, क्या लिख दिए? प्रधानमंत्री द्वारा। तो द्वारा क्या है? प्रीपोजिशन क्या है? और द्वारा का इंग्लिश होता है बाय। क्या होता है? अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो द्वारा के क्या होगा? तो द्वारा होगा बाय, तो लिखेंगे बाय। वो बाय ना है कि बाय टाई उड़ा है, यह बी वाई होता है, बी वाई ई बाय। तो यहाँ पर बाय है, बाय क्या है? बाय प्राइम मिनिस्टर, बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। इसे लिख दिए क्या है? इसे लिख दिए मेरे लिए। क्या लिख दिए? मेरे लिए, मेरे तो लिए का इंग्लिश क्या होता है? फोर। क्या होता है? Four. और मेरे का क्या होगा? तो मेरे का माई बोल होगा, क्या होगा? लेकिन यहाँ माई नहीं लिखना है, माई क्योंकि हम तुम लोग देखो यहाँ पर हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दे, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। कौन केस में लिखना है? तुम लोग पढ़ाए थे ना, यानी तुम लोग पढ़ाए थे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है? मी। पढ़ाए थे बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो होता है अस। क्या होता है? अस। तुम लोग को पढ़ाए थे हम यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो यू ए होता है, होता है ना। उसी प्रकार पढ़ाए थे तुम लोग को क्या कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो देम होता है। क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम। उसी प्रकार पढ़ाए थे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हिम होता है। क्या होता है? हिम। उसी प्रकार पढ़ाए थे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हर होता है। क्या होता है? तो ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का यूज करना है तो ना तो आई लिखेंगे, ना तो यो नहीं लिखेंगे, ना तो लिखेंगे माई भी नहीं लिखेंगे, आवर भी नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं ये। क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना जब भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज करना है तो हमेशा इसी का यूज करेंगे, यानी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज। तो यहाँ पर है मेरा, तो मेरा मेरे है, तो मेरे के माई नहीं लिखना है, मेरे क्या लिखना है? मी। क्या लिखना है? मी। तो हो जाएगा फोर मी। क्या हो जाएगा? फिर फोर मी लिखेंगे हम लोग के लिए। क्या लिखेंगे? हम लोग के लिए, हम लोग के। तो तुम लोग सोचेगा कि के लिए के देते हैं फोर, क्या देते हैं? और सोचेगा तुम लोग हम लोग का होता है बी, तो बी डाल देते हैं, तो गलती हो जाएगा
ना जाएगा बी गलती। तो मैं सोचा कि बी मतलब हम लोग होता है ना, तो बी डाल लेते सही हो जाएगा, तो जाएगा गलती, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के, हमेशा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ होगा अस, क्या होगा, समझा गया। उसमें क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, उन लोगों के लिए, उन लोगों, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, तो के लिए क्या होगा, फोर, क्या होगा, फोर होगा, हो गया। और उन लोगों का तुम सोचेगा दे डाल लेते तो दे गलत हो जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी देम, क्या होगा, देम, क्या होगा, देम, समझ आ गया ना। यानी इतना चीज़ सीखे अभी कि प्रीपोजिशन के हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य किसी अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो समझ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, जैसे मान लो कि क्या लिख रहा है, जैसे लिख दिए आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द स्कूल लिख दिए, क्या लिखे, आई एम इन द स्कूल लिख दिया ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर इन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो इन क्या कर रहा है, इन संबंध दिखा रहा है कि स्कूल में मैं हूँ, दिखा रहा है ना, यानी संबंध दिखा रहा है किसका, स्कूल का संबंध दिखा रहा है मैं के साथ, मैं के ना साथ ना दिखा रहा है। तो हम बताए थे कि प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, दिखा रहा है कि स्कूल में कौन है, तो मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ। अगर यहाँ प्रीपोजिशन को हटा देते तो क्या हो जाएगा, देख आई एम द स्कूल, मैं स्कूल हूँ, इस तरह होता है क्या, आई एम द स्कूल, मैं स्कूल हूँ, होता है। इसलिए प्रीपोजिशन आता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, कोई दिक्कत है। अब एक एक बारी बारी से एक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, चलो। अब बारी बारी से बहुत सारा प्रीपोजिशन है, सब प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ किसका यूज होता है, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर ले, और एक तो मेरा और नया चैनल है, कॉमेडी वाला चैनल है, मेरा ही चैनल है, जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, फोटो वही लगा हुआ जो जगदेव क्लास में फोटो लगाया है, वही फोटो है। चलो यहाँ ध्यान दो, कॉमेडी तो बोल दिए, चलो यहाँ ध्यान दे। अब एक बारी बारी से एक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से एक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ ध्यान दे, पहले पढ़ रहा है ओन के बारे में, किसके बारे में, तो ओन मतलब होता है पर, क्या होता है, पर, क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जब किसी, क्या बोल रहे हो, ओन का मतलब होता है पर, क्या होता है, पर होता है, तो जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु रखा है या कोई चीज़ रखा हुआ है, तो देना है ओन, क्या देना है, ओन। जैसे मान लो बोलिए टेबल पर, क्या बोल दिए, टेबल पर, क्या बोल दिए, टेबल पर, तो क्या देना, ओन द चेयर, ओन द चेयर, ठीक है ना, और टेबल है ना, ओन द टेबल, ओन द टेबल, ठीक है ना। उसी का मान लो बोल दिए छत पर, क्या बोल दिए, छत पर, तो क्या बोलना, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, समझा रहा है। उसी का मान लो बोल दिए हम, क्या बोल दिए, सड़क पर, क्या बोल दिए, ऑन द रोड, ऑन द रोड। उसी प्रकार मान लो बोले चटाई पर, क्या बोल दिए, चटाई पर, तो क्या आ जाएगा, ऑन दी मैट, क्या हो जाएगा, यानी जहाँ पर रहेगा तो वहाँ देना ओन, क्या देना है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, ओन के साथ हम पढ़ लेते हैं, इसके साथ जस्ट पढ़ लेते हैं अपोन, क्या अथी, अप ओन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, अपोन, क्या पढ़ लेते हैं। तो देखो जब ओन कब देते हैं, जब कोई चीज़ पर, कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु आराम से रखा हुआ, संपर्क में रखा हुआ, आराम से स्थित है, तब क्या देते हैं, ओन, क्या देते हैं, ओन, ठीक है ना। और जैसे मान लो बोले कि टेबल पर पेन रखा है, टेबल पर एक पेन रखा है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, समझ आ रहा है ना। बोलेंगे छत पर एक लड़का है, तो देयर इज ए बॉय ऑन द रूफ, ऑन द स्थित है ना। लेकिन जब जब वाक में दिखाएगा कि स्थित ना है, उस पर गति पर, क्या है, तो देना है अपोन, क्या देना है। जैसे बोलेंगे क्या, तो जैसे मान लो बोल दिए क्या, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर मान लो बोल दिए कि वह, क्या बोल दिए, वह, तो जैसे मान लो बोले शेर, क्या बोल दिए, शेर, शेर हिरण पर छलांग लगाया, हिरण पर लगाया, शेर हिरण पर छलांग लगाया। अब यहाँ ध्यान दे, तो शेर हिरण छूट गया, शेर हिरण पर छलांग लगाया, शेर हिरण पर छलांग, तो शेर जब हिरण पर छलांग लगाएगा तो आराम से उस पर बैठा रहेगा, स्थित रहेगा, कि उस पर जा रहा है तो गति में जा रहा है, तो जब भी गति में रहेगा पर के पर रहेगा, लेकिन जब गति को दिखाएगा तो देना है अपोन, क्या देना है, अपोन, क्या देना है, अपोन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा शेर छलांग लगाया, यानी हो जाएगा द लायन, द लायन, और छलांग लगाना का जंप, क्या होता है, जंप, ठीक है ना, जंप, हो रही जाना। और हिरण पर, हिरण हमको सीखना है अभी, यहाँ अभी हम ट्रांसलेशन बनाने ना सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं इसका यूज करने, ठीक है ना। तो हिरण पर, हिरण
पर, तो यहाँ पर पर का ऑन नहीं दे देना है, क्या देना है अपोन, क्या देना है अपोन डियर, क्या देना है अपोन डियर, समझ तुम लोग आया, तुम लोग समझ आया रे। ऐसे तुम लोग मान लेते दे देंगे वह छत पर कूदा, छत पर कूदा, तो छत पर कूदा आता है वो क्या है पर यहाँ पर है लेकिन कूद रहा है तो गति में है ना, स्थिर ना है ना, तो देना अपोन, क्या देना है तो दे देंगे ही जंप्ड, वह कूदा का, वह कूदा का होता है ही जंप्ड, क्या होता है अब यहाँ ध्यान दो ही जंप्ड कैसे हुआ है अभी नहीं सीखेंगे, सीखेंगे टेंस में, अभी हमको सिखाना है ये वाला, ठीक है ना। तो जाएगा यहाँ पर है तो पर है तो ऑन नहीं देना है, क्या देना है अपोन, तो जाएगा अपोन रूप, समझा। ऐसे दे देंगे वह, ऐसे दे देंगे बंदर, क्या दे देंगे बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर, तो पर पेड़ पर चढ़ रहा है तो गति में है ना, ना है गति में, रुकर नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बंदर चढ़ा, तो यहाँ दे रहे मंकी, मंकी लिखते हैं मंकी, क्या लिखते हैं मंकी, या चढ़ना होता है क्लाइम, क्या होता है तो जाएगा क्लाइम्ड, क्या हो जाएगा क्लाइम्ड, और पेड़ पर तो ओन नहीं देना, यहाँ पर चढ़ रहा है तो गति में है ना, तो अपॉन ट्री, समझ आया तुम लोग को, तो ओन और ओन और अपन का अर्थ सीख गया ना। अब ओन का अर्थ एक एक जगह और होता है, ओन का देखिए यहाँ पर ओन का प्रयोग एक जगह और होता है को के अर्थ में, को के, लेकिन लेकिन हम लोग जानते हैं कि ओन का अर्थ होता है पर, क्या होता है तो जहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ दे देंगे क्या, वहाँ दे देंगे ओन, लेकिन यहाँ ओन मतलब को नहीं जानते हैं, तो को कहीं कोई विशेष जगह में को का यूज होगा, तो को का जगह कहाँ यूज होगा, तो जब यहाँ जान ले जब दिन या तिथि के, दिन या तिथि के साथ, जब दिन या तिथि के साथ को लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा को लिखा हो, को लिखा हो, तब वहाँ पर देना है को का, देना को के लिए लिखना है ओन, क्या लिखना है ओन, ऐसा लिख लेना है कि वह सोमवार को आता है, वह सोमवार को तो वह सोमवार को, तो सब सोमवार को आता है पूरा कैसे बनाना है तो बताएंगे टेंस में, अभी हम सिखा रहे हैं सोमवार को है तो क्या देंगे, तो देंगे ओन मंडे, ओन मंडे, समझाया तुम लोग को, क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर बताए थे ना कि ओन का अर्थ को कब होता है, जब दिन या तिथि के साथ को लिखा हो, क्या लिखा हो, समझाया, उसमें क्या मान लो दे दिए यहाँ पर क्या रविवार को, क्या दे दिए रविवार को, तो क्या जाएगा हो जाएगा ओन संडे, ऑन संडे, उसी प्रकार मान लो दे दिए क्या 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, तो क्या जाएगा ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त, समझा तुम लोग, दे देंगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी, 26 जनवरी को, तो क्या जाएगा ऑन 26 जनवरी, समझ तुम लोग आया, तो ओन का ओन मतलब समझ गया तुम लोग, तो अभी तुम लोग सीखा ओन का कहाँ यूज करते हैं, फिर अपोन भी इसके साथ बता दिया कि ओन और अपोन दोनों मतलब पर होता है, दोनों बता दिए, और ओन का अर्थ को के अर्थ में क्या होता है बता दिया, बता दिए ना, आगे देख, चलो यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ रहे हैं बाय, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बाय के बारे में, ठीक है ना, बाय का दो अर्थ होता है, बाय का क्या होता है, एक होता है के द्वारा, क्या होता है तो ये तो सब जानता है, के द्वारा तो सब जानता है, जहाँ के द्वारा मिलेगा वहाँ बाय लगा दे, लेकिन एगो बाय का अर्थ होता है से, क्या होता है तो ये सीखना है कि से का यूज कब करना है, ठीक है ना, क्योंकि बाय मतलब के द्वारा तो सब जानता है, लेकिन से हो रहा है तो से हर जगह नहीं होगा, इसके लिए कोई विशेष कंडीशन है, क्या है विशेष, तो यहाँ पर समझते हैं के द्वारा, क्या समझते हैं, ऐसा रहेगा राम के द्वारा, राम के, तो क्या दे देंगे, दे देंगे बाय राम, बाय तो दे देंगे बाय राम, दे देंगे जैसे यहाँ पर मान लो लिख दिए प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के, तो हो जाएगा बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, उसे क्या मान लो दे दिए तुम्हारे द्वारा, क्या दे दिए बंदर कहीं का, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, अरे बंदर यहाँ ठंड, तुम्हारे द्वारा क्या लिख दिए, तो यहाँ पे क्या बाय, क्या आएगा बाय, और देना है तुम्हारे क्या है प्रोनाउन, तो क्या देना है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए होता है ना, तो यूए लिख देंगे कोई दिक्कत ना है, समझाया, उसमें क्या मान लो लिखिए मेरे द्वारा, क्या लिख दिए मेरे द्वारा, तो मेरे तो बाय क्या आएगा, और मेरे के माई नहीं देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए जाएगा क्या बाय मी, समझाया तुम लोग को, अब हम समझते हैं से, मेन तो ये समझना है, ये तो सब जानता है, जानता है ना, अब समझते हैं से, क्या समझते हैं, तो से का बाय मतलब से का यूज कब करना है, तो देखिए यहाँ पर
जब यातायात, क्या बोल रहे हैं, जब यातायात के साधन यानी वाहन के साधन, वाहन के जब यातायात के साधन के साथ, यातायात के साधन के साथ क्या लिखाओ, से लिखाओ, क्या लिखाओ, से लिखा हो, से लिखा हो, तब करते हैं किसका यूज, तब करते हैं बाय का यूज, क्या करते हैं, ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया बस से, क्या लिख दिए, तो बस से लिख दिए, तो यहाँ होगा बाय बस, क्या होगा बाय बस, क्योंकि बस क्या है, यातायात का साधन है, वाहन का साधन है, उसे क्या मान लो लीजिए ट्रेन से, क्या लिख दिए, तो क्या आएगा बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, उसे क्या मान लो लिख दिए वायुयान से, वायुयान से, तो क्या आएगा बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन, उसी प्रकार मान लो लिख दिए ऑटो से, तो बाय ऑटो, बाय ऑटो, उसी प्रकार लिख दिए जहाज से, तो बाय शिप, बाय शिप। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन जब बनाने बताएंगे टेंस में, जैसे मान लो लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देंगे क्या कि मेरे भाई ट्रेन से घर आता है, तो अखनी ने बताएंगे कि ट्रेन से यहाँ लिखल है, तो यहाँ पर से को क्या देंगे, तो अखनी समझ आना से के लिए क्या देना है बाय, क्या देना है साला, उस समय हम टेंस जब बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे भाई ट्रेन से घर आता है, तो उस समय तुम्हें पूछेंगे कि ट्रेन से यहाँ पर है तो से के लिए क्या लिखें, तो समझ आना यहाँ भी बता दिए ना, तो यहाँ देंगे बाय, क्या देंगे, तो हो जाएगा माई ब्रदर कम्स हाउस, माई ब्रदर कम्स हाउस बाय ट्रेन, तो अखनी समझ आएगा ना, अखनी ना बताएंगे कि बाय क्यों हुआ, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, इसमें क्या है, इसमें क्या है अपवाद, क्या है अपवाद, क्या है, तो देखो जब यातायात का साधन वैसा हो जिसके अंदर घुस के आदमी बैठे तब देना है बाय, क्या देना है से के लिए देना है बाय, से के लिए क्या देना है, लेकिन वैसा यातायात के साधन जिसके अंदर आदमी घुस के नहीं बैठता है, जिसके ऊपर में बैठ जाता है, तो उसको देना है पर, क्या देना है, ऐसे बोलेंगे साइकिल पर, साइकिल नहीं साइकिल से, साइकिल तो साइकिल में घुस के बैठता है कि घुसने जगह होता है, ऊपरा नहीं बैठता है, तो हो जाएगा क्या वहाँ पर साइकिल से बाय साइकिल ना होगा, तो हो जाएगा ओन साइकिल, क्या हो जाएगा, तो अपवाद में याद रखना, अपवाद में क्या बोले थे, अपवाद में अगर खुला हो, क्या हो, गाड़ी खुला हुआ हो उसके अंदर घुस के नहीं बैठना है, चढ़ के बैठना है, तो क्या देंगे, तब जैसे मान लो दे दिए साइकिल से, क्या दे दिए साइकिल से, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओन साइकिल लिखो या बाइसाइकिल लिखो, समझ आया तुम लोग को, समझ आया रे, उसी में क्या मान लो ले दिए क्या बाइक से, क्या लिख दिए, तो बाइक में भी अंदर घुस के नहीं बैठता है, तो क्या हो जाएगा ऑन बाइक, ऑन बाइक लिख देगा पैदल, तो ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन अरे फुट मतलब पैदल पैर पे होता है, समझ तुम लोग आ गया। अब यहाँ तो हम बाय मतलब पढ़ लिए, बाय का यूज पढ़ लिए ना, अब आगे पढ़ते हैं विथ का यूज, क्या पढ़ते हैं यहाँ ध्यान दो, अब आगे पढ़ रहे हैं विथ, किसका यूज पढ़ रहे हैं विथ, विथ मतलब क्या होता है, तो विथ मतलब होता है के साथ, क्या होता है विथ मतलब दो चीज़ होता है, पहले यहाँ ध्यान दो, विथ मतलब होता है दो चीज़, एक तो के साथ सब जानता है, बच्चा बुतरू सब जानता है, के साथ तो सब जानता है ना, कि विथ मतलब के साथ होता है सब जानता है, यानी जहाँ के साथ लिखा रहेगा वहाँ लगा देना है विथ, क्या लगा देना है, ये तो सब जानता है, लेकिन तुम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है विथ मतलब होता है से, क्या होता है, लेकिन विथ मतलब के साथ होता है सब जानता है, लेकिन से हो रहा है को नहीं जानता है, यानी से हर जगह ना होगा विथ मतलब से, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, क्या है, तो विथ मतलब से कब होगा, तो विथ मतलब सब से तब होगा जब किसी हथियार के साथ, जब किसी हथियार या औजार, हथियार या औजार, ठीक है ना, जब किसी हथियार के साथ से लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, से लिखा रहेगा तब देना है बाय, क्या देना है, अभी हम क्या बताए थे, जब किसी यातायात के साधन के साथ से लिखा रहेगा तो देना है बाय, लेकिन जब हथियार के साथ से लिखा रहेगा तो देना है क्या विथ, क्या देना है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या राम के साथ, क्या लिख रहे हैं राम के साथ, तो के साथ देख रहे हैं, तो ये तो ईजी है, थोड़ा दे देंगे विथ राम, क्या दे देंगे विथ राम, दे दिए ना, जैसे प्रकार मान लो लिख दिए मेरे साथ, मेरे साथ, तो क्या जाएगा विथ मी, विथ मी, क्यों समझ आ गया ना तुम लोग को, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब जानता है, हमको पढ़ना है ये वाला, यही पढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या, यहाँ लिख दिए बंदूक से, बंदूक तो बंदूक क्या हथियार है ना, और हथियार के साथ आ गया से, हथियार के साथ आ गया से, तो यहाँ पर क्या देना है, यहाँ देना है विथ गन, क्या देना है विथ गन, समझ तुम्हें कहा आया, उसी बगैर मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या कुल्हाड़ी से, क्या लिख दिए जैसे 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 मान लो जब तुम लोग को हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्या कि उस समय लिखेंगे क्या लखरहारा कुल्हाड़ी से पेल काट रहा है,
तो उस समय क्या है कुल्हाड़ी से आ गया, तो उस समय तुम लोग ने पूछना कि से क्या यहाँ पर क्या दें, कि कुल्हाड़ी के साथ क्या है से लगा हुआ है, औजार के साथ से लगा हुआ है, तो समझ आना उस समय कि विथ देना देंगे क्या देंगे, क्योंकि उस समय हम टेंस पढ़ाएंगे नहीं, सब थोड़े पढ़ाएंगे, तो यहाँ कुल्हाड़ी से तो क्या आएगा विथ एक्स, विथ एक्स उसी प्रकार कलम भी क्या है, कलम भी क्या है तो कलम भी क्या है तो स्टूडेंट का औजार है, स्टूडेंट का ना है तो रहेगा कलम से, क्या रहेगा कलम से, कलम से तो क्या देना है विथ पेन, विथ पेन ना देंगे, पेंसिल से तो विथ पेंसिल, चाकू से, चाकू से जैसे वह चाकू से सेब काटता है तो सी अथी ही कट्स एप्पल चाकू से, तो वहाँ से क्या होगा विथ क्या होगा तो विथ नाइफ, क्या होगा विथ नाइफ, समझ आ रहा है ना, ये सब तुम लोग को काम देगा जब टेंस पढ़ाएंगे तब, समझ आ गया। उसी प्रकार तलवार से, तलवार से तो विथ तलवार का इंग्लिश होता है सोल्ड एस डब्ल्यू ओ आर डी, कोई दिक्कत है सीख गया विथ सीख गया ना, तो विथ के साथ तुरंत पढ़ लेते हैं एक तो विदाउट, क्या पढ़ लेते हैं विदाउट, क्या पढ़ लेते हैं विदाउट मतलब होता है के बिना, ये तो सिंपल है इसमें कोई अपवाद उपवाद ना है, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट मतलब जैसे कोई जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर क्या जगह एनी बॉडी कैन नॉट लाइव, एनी बॉडी कैन नॉट लाइव, ठीक है ना, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर तो जैसे जल के बिना, जल के बिना तो जल के बिना तो बा अथी विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, तुम लोग फिल्म नहीं सुनता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, सुनता है ना, तो क्या होता है आई कैन नॉट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, विदाउट यू यानी तुम्हारे बिना, ए बंदर तुम्हारे बिना तो क्या जाएगा विदाउट, ए बंदर कही का विदाउट यू, विदाउट मेरे बिना तो विदाउट मी, वे लोगों के बिना तो विदाउट देम, क्यों क्या दे रहे हो ऑब्जेक्टिव कैसे दे रहे हैं, समझ आ रहा है ना, उसी का मान लो दे देंगे यहाँ पर भोजन के बिना, भोजन के बिना तो क्या जाएगा विदाउट, विदाउट फूड, विदाउट फूड, विदाउट फूड, समझ तुम लोग आ रहा है, हाँ उस पर क्या दे देंगे हवा के बिना तो विदाउट एयर, मोबाइल के बिना तुम लोग पागल हो जाएगा तो विदाउट मोबाइल, विदाउट मोबाइल ना हो जाएगा, इसे समझ गया ना, अब आगे अब आगे तुम लोग स्क्रीन शॉट लो उसके आगे बढ़ते हैं, चलो अब पढ़ रहे हैं विद पढ़ लिए विदाउट पढ़ लिए, अरे बंदर विद पढ़ लिए विदाउट पढ़ लिए ना, अब पढ़ेंगे फ्रॉम, क्या पढ़ेंगे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब ये होता है से, क्या होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है से होता है, ठीक है ना, तो जब किसी स्थान के साथ से लिखा रहेगा तब देना है क्या फ्रॉम, क्या देना है फ्रॉम, क्या देना है तो स्थान के साथ, स्थान के साथ क्या लिखा हुआ है स्थान के साथ लिखा हुआ है फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है तो क्या देना है से, तो क्या देना है फ्रॉम, क्या देना है फ्रॉम, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर दे दिए क्या रतनपुर से, रतनपुर से तो क्या होगा फ्रॉम रतनपुर, फ्रॉम रतनपुर, फ्रॉम रतनपुर, जैसे बोल रहे हैं कि वह पटना से आता है, वह पटना से तो ही कम्स फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना, वह ऑस्ट्रेलिया से आता है तो ही कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, समझ आ रहा है ना, उसी प्रकार बोल रहे पटना से, क्या बोले थे पटना से तो क्या आएगा फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना, समझ गया ना, अब यहाँ ध्यान दे, जब कोई बीमारी से कोई पीड़ित रहेगा तब देना है फ्रॉम, क्या देना है यानी जब कोई बीमारी से कोई क्या है मरने गया है क्या है? उससे मतलब उससे पीड़ित है यानी उस बीमारी उसको हो ले, बीमारी उसको हो ले तब देना है फ्रॉम, क्या देना है यानी बीमारी के नाम, बीमारी के साथ, बीमारी के साथ, लेकिन बीमारी के साथ कब, जब बीमारी उसको हो ले, बीमारी से मर गया ना, बीमारी हो ले तब देना है क्या फ्रॉम, क्या देना है, ऐसे बोलेंगे कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम ठीक है ना, यहाँ डाल प्रधानमंत्री कोरोना से पीड़ित है तो द प्राइम मिनिस्टर सफर्स फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम कोरोना, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर ऐसे मान लेते बुखार से, क्या दे रही बंदर बुखार से तो फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, कोविड 19 से, कोविड 19 से तो फ्रॉम कोरोना वायरस, अगर आप फ्रॉम कोविड 19
फ्रॉम कोविड 19 कोरोना से, तो फ्रॉम कोरोना क्या बोल रहे हैं, मरना ना चाहिए, खाली होल है, अगर मर जाएगा तो देंगे वो क्या देंगे, ऐसे बोलेंगे वह कोरोना से मर गया, वह कोरोना से मर गया था, तो वह कोरोना से, अरे बंदर कहेगा जितना बोलते तो सुने, वह कोरोना से मर गया तो मर जाएगा तो फ्रॉम ना है, से यहाँ भी आ रहा है ना, तो फ्रॉम ना, तब देते हैं ऑफ, क्या देते हैं ऑफ, क्या देते हैं जब जब प्रीत है तो क्या देना है से अति फ्रॉम, और जब मर जाएगा तो हो जाएगा फ्रॉम हट जाएगा आ जाएगा ऑफ, क्या जाएगा, ऐसे वह कोरोना से मर गया तो ही डाइड ऑफ कोरोना ऑफ, वह बुखार से मर गया तो ही डाइड ऑफ फीवर, बुखार ऑफ बुखार ऑफ फीवर, ऑफ फीवर वह कैंसर से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, कोई दिक्कत है, हाँ समझ गया ना, यहाँ पर लिखे ना, तुम समझ गया ना जो बोले, अब यहाँ ध्यान दे, फॉर्म पढ़ लिए हैं, यहाँ ध्यान दे, फॉर्म का एक जगह और यूज करते हैं, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, जानवर है ना रह जाएगा, चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग क्या बता रहे हैं, अब यहाँ तो आने दे, जैसे जाएगा कि एक से दस तक क्या रहेगा, एक से दस तक, यानी देख यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर्म का यूज कहाँ करना है, तो फॉर्म एक से दस तक, तो से भी आ रहा है तक भी आ रहा है, से भी आ रहा है तक भी आ रहा है, तो जब से भी आए क्या है और डॉट 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 फिर तक भी आए, यानी बीच में को शब्द आ रहा है, इसे बोले एक से दस तक, तो यहाँ डॉट 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 क्योंकि बीच में भराएगा ना, तब तब से और तक रहेगा तो देना है क्या, तो देना है फ्रॉम और टू, क्या देना है फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू, समझ तुमने कहा ऐसे, यहाँ पर मान लो देना एक से दस तक, तो फ्रॉम वन टू टेन, फ्रॉम वन टू टेन, उसी प्रकार मान लो दे दिए कि एक से सो तक, तो फ्रॉम वन टू हंड्रेड, वन टू हंड्रेड, ठीक है ना, अमेरिका से भारत तक, तो फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, हप गधा, फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, अमेरिका टू इंडिया, ठीक है ना, रतनपुर से जम्मू तक, तो फ्रॉम रतनपुर टू जम्मू, ठीक है ना, समझ गया ना, ये समझ गया, लिखे ना खाली हम बोल दिए, कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ ध्यान दो, अभी टू का भी पढ़ाएंगे, जो टू का भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं से का और अर्थ होता है, देख यहाँ पर लिख रहे हैं हम, सिंस मतलब ये होता है से, क्या होता है सिंस मतलब ये क्या होता है से, और फोर मतलब ये होता है से, फोर मतलब ये क्या होता है से, पर हमें ध्यान देना क्योंकि से का बहुत यूज बता रहे हैं, बता रहे हैं ना, जब बीमारी से मर गया तो ऑफ दे दिए, जब बीमारी है तब फ्रॉम दे दिए, जब चाकू अथी हथियार से है तो विथ दे रहे हैं, ना दे रहे हैं, जब यातायात से है वाहन से है तो क्या दे रहे हैं, तो बाय दे रहे हैं, ना दे रहे हैं, तो से का अलग अलग यूज बता रहे हैं, ना बता रहे हैं, जब कोई स्थान के साथ है तो फ्रॉम दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, आप बता रहे हैं क्या, और यहाँ ध्यान दो, और जब से तक है तभी क्या दे रहे हैं फॉर्म, क्या दे रहे हैं, और सिंस मतलब इससे होता है, फॉर्म मतलब भी क्या होता है से, और लेकिन दोनों की यूज अलग अलग, दोनों का यूज पहले यहाँ समझ, यहाँ ध्यान दे, फॉर्म सिंस मतलब से का यूज कहाँ करेंगे, तो सिंस मतलब से का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समझा तुम लोग कि हम पॉइंट टाइम बता रहे हैं, फिक्स टाइम बता रहे हैं, निश्चित टाइम बता रहा है, निश्चित टाइम बता रहा है, तो वहाँ देना है क्या, वहाँ देना है सिंस, क्या देना है, यानी जब फिक्स टाइम हो, यानी निश्चित टाइम बता रहा है, यानी फिक्स टाइम, तो क्या देना है, तो देना है सिंस, क्या देना है सिंस, समझ तुमने कहा या, और लेकिन फोर के मतलब से कहाँ होगा, फोर मतलब से, अरे फोर मतलब हम क्या बताए, के लिए बताया था तुम लोग, बताए थे ना, यानी फोर मतलब से भी होता है, तो फोर मतलब से कब होगा, तो जब पॉइंट टाइम नहीं रहे, निश्चित टाइम नहीं रहे, क्या रहे, अवधि के रूप में टाइम रहे, किसके रूप में रहे, अवधि के रूप में टाइम रहे, एग्जाम्पल देंगे तो समझ आ जाएगा, अवधि के रूप में जब टाइम रहेगा तो देना है फोर, क्या देना है, इसका यूज जो है तुम लोग को, जब टेंस पर आएंगे तो बहुत यूज इसका होगा, इसका यूज कहाँ होगा तुम लोग पता है, इसका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम पूरा इसी का यूज खाली होगा, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पढ़ लो, तो वहाँ ना बताएंगे, समझ आ गया ना, तो देख यहाँ पर, अब सिंस का यूज फोर का यूज कहाँ करेंगे, देख यहाँ पर मान लो इधर हम लिख रहे हैं फोर, क्या लिख रहे हैं फोर, और इधर लिख दिए सिंस, क्या लिख दिए सिंस, अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस, जैसे यहाँ पर लिख दिए हम क्या, यहाँ लिख दिए हम, यहाँ पर लिख दिए मान लो, लिख दिए दो घंटा से, दो घंटा से, तो दो घंटा कितना बजे फिक्स है, नहीं पता है, खाली अवधि दिखा रहा है कि दो घंटा हो गया, दो घंटा तो देना है फोर टू आवर्स, फोर टू आवर्स, लेकिन यहीं पर लिख देंगे हम दो बजे से, तो फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया ना, तो निश्चित जब हो गया, जब फिक्स हो गया, जब पॉइंट टाइम हो गया, तो देना है क्या सिंस, क्या देना है, तो सिंस टू ओ क्लॉक, सिंस टू ओ क्लॉक, समझ तुम लोग आया,
उसी प्रकार यहाँ पे दो घंटा रहे या दो मिनट रहे, ठीक है, या दो सेकंड रहे, क्या होगा, फोर टू आवर्स, ठीक है। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर आप लिख दिए क्या, यहाँ पर लिख दिए दो दिन से, क्या लिख दिए, दो दिन से। अब कौन दिन से पता है, खाली अवधि बता दिया है, तो देना है फोर टू डेज, फोर टू डेज। लेकिन यहाँ पर बोल देंगे हम सोमवार से, तो फिक्स हो गया ना, पॉइंट टाइम बता रहे हैं, पॉइंट ए टू जेड हम पॉइंट बता रहे हैं कि सोमवार से, सोमवार से, तो क्या जाएगा, जाएगा सिंस मंडे, क्या जाएगा, सिंस मंडे, समझ तो नहीं आ रहा है। उसी प्रकार मान लो लिख दिए क्या, यहाँ लिख दिए हम पाँच महीना से, पाँच महीना, अब कौन महीना पता तुमको चला, पता चला, तो यहाँ फिक्स ना है, यहाँ खाली टाइम बता रहा है, अवधि बता रहा है, तो जगह फोर फाइव मंथ, फोर फाइव मंथ। ये लेकिन यह लिख दिए हम जनवरी से, क्या लिख दिए, तो फिक्स हो गया ना, फिक्स हो गया, तो जगह सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, समझ आया तुम लोग को। उसी प्रकार मान लो लिख दिए यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिए मान लो दस साल से, दस साल से या दस वर्ष से, दस वर्ष से, तो पता है कौन साल से पता है, तो जाएगा क्या, फोर टेन ईयर्स, यहाँ लिख देंगे 2020 से, 2020 से, तो फिक्स हो गया ना, तो जाएगा सिंस, क्या जाएगा, सिंस 2020, और स्पी रहेगा तो दे देना है एडी, स्पी होता है एडी, क्या होता है, तो यहाँ स्पी नहीं रहता, हटा, समझा तुम लोग। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर, और यहाँ समझ, उसी पे, उसी प्रकार यहाँ पर और हम बता रहे हैं, ऐसे रहेगा बच, यहाँ रहेगा जन्म से, क्या रहेगा, जन्म से, जन्म से, तो जन्म से का फिक्स नहीं होता है, सबका बर्थडे बंदर कहेगा, किसका जन्म फिक्स नहीं है, जन्म सबका बर्थडे फिक्स है ना, तो क्या जाएगा, हो जाएगा सिंस, क्या जाएगा, सिंस बर्थ, सिंस उसी प्रकार बचपन से, बचपन, तो बचपन भी सबका फिक्स है, ऐसा नहीं है कि जवानी के बाद बचपन आएगा, ऐसा होता है कि बुढ़ापा के बाद बचपन आएगा, ऐसा होता है कि बचपन का टाइम फिक्स था, जितना वर्ष रहे एक से पाँच वर्ष जितना भी रहे फिक्स है ना, तो जाएगा क्या हो जाएगा, बाय अति सिंस, क्या जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, समझा तुम लोग। उसी प्रकार लिख देंगे शादी से, तो शादी नहीं फिक्स था, जब शादी नहीं फिक्स रहेगा तो कार्ड कैसे छपा लेगा, शादियों की डेट वा फिक्स रहता है, तो जाएगा सिंस, क्या जाएगा, सिंस मैरिज, सिंस मैरिज, समझ तुम लोग आया। उसी प्रकार मान लो लिख दिए कल से, तो कल फिक्स है, अरे कल से बोल रहे हैं, तो कल यानी जो कल तुम लोग को पढ़ाए थे मैं थोड़ा उसी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो कल से क्या है, कल से, लेकिन कल दो होता है, एक होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल, एक जो पढ़ा दिए हैं, एक जो पढ़ाएंगे, तो बिता हुआ कल, बिता के लिए, किसके लिए, बिता के लिए, होगा आने वाले, किसके लिए, ये दोनों फिक्स है, आने वाला भी फिक्स है और जो बीत गए वो फिक्स है, नहीं पता है तुमको, दोनों बारे में पता है ना, तो जाएगा सिंस, क्या जाएगा, सिंस, अब बिता हुआ कल को बोलते हैं यस्टरडे, क्या बोलते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे, और आने वाला कल को बोलते हैं टुमोरो, क्या बोलते हैं, टुमोरो, टुमोरो, समझा तुम लोग। उसे क्या बोलेंगे, परसों, तो परसों भी फिक्स है, तो परसों को क्या बोलेंगे, परसों को बोलेंगे यहाँ ढंड बोलेंगे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से भी पहले, समझा, क्या बोलेंगे, बिफोर द सिंस बिफोर यस्टरडे, सिंस बिफोर, उसी उसी बोले मान लो बोलिए यहाँ पर क्या, अंतिम सप्ताह से, अंतिम सप्ताह, तो जाएगा सिंस लास्ट वीक, क्या जाएगा, अंतिम सप्ताह से या अंतिम महीना से, समझ रहे हैं, तो क्या जाएगा, सिंस लास्ट, अंतिम का तो लास्ट और सप्ताह का वीक, समझ तुम्हें कहा गया, तो तुमने समझ गया ना, फोर और सिंस में कोई प्रॉब्लम, अब फोर और सिंस में कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो तुम लोग स्क्रीन शॉट ले ले और बढ़ते आगे, चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे बिटवीन, क्या पढ़ेंगे, बिटवीन, बिटवीन, फिर पढ़ेंगे एमोंग, क्या पढ़ेंगे, एमोंग, फिर पढ़ेंगे एमोंगस्ट, क्या पढ़ेंगे, एमोंगस्ट, क्या पढ़ेंगे, देखो तीनों का मतलब होता है के बीच, क्या होता है, तीनों का मतलब होता है के बीच, के बीच, लेकिन आप तीनों का अलग अलग यूज, के बीच तीनों का है तो तीनों का एक जगह यूज नहीं कर देंगे, पानी आ जाएगा कि, तो देखो यहाँ पर तीनों का यूज होगा अलग अलग, क्या होगा, बोलेंगे बिटवीन मतलब, तो बोलना है के बीच, एमोंग मतलब के बीच, एमोंगस्ट मतलब के बीच, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग, तीनों का यूज अलग अलग। बिटवीन का यूज कहाँ होता है, तो बिटवीन का यूज होता है दो के बीच, कितना के बीच, दो के बीच, दो के बीच, और अमोंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के
के बीच, दो के अधिक के बीच, और अमोंगस्ट का जो होता है एक स्थान के बीच, एक स्थान के स्थान क्या के बीच। अब समझ तुम लोग, ऐसे मान लो बोलिए बिटवीन, यहाँ बोलिए राम और श्याम, कितना लोग है? दो लोग है, तो क्या देंगे? बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम, उसको क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? भारत और पाकिस्तान के बीच, तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड बोलेंगे तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे और तो बिटवीन, और तुम्हारे का यू और मेरे का माई ना, ऑब्जेक्टिव केस, यानी बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, समझ आ गया? उसमें क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? उसमें क्या बोल देंगे? बोल देंगे कि रतनपुर और जम्मू के बीच, तो क्या बोलना है? बिटवीन रतनपुर एंड जम्मू, सीता और गीता के बीच, तो बिटवीन सीता एंड गीता, दो बच्चे के बीच, तो बिटवीन टू चिल्ड्रन, समझ आ गया? ये समझ गया ना? अब एमोंग, एमोंग का यूज कहाँ करते हैं? दो से अधिक के बीच, दो से, ऐसे बोलेंगे राम श्याम और मोहन के बीच, तो कितना लोग हो गया? दो से अधिक हो गया ना, तो बोलेंगे आप बिटवीन ना, आप क्या देंगे? एमोंग, क्या देंगे? तो एमोंग राम श्याम एंड मोहन, पांच बच्चों के बीच, तो दो से अधिक हो गया, तो एमोंग फाइव चिल्ड्रन, एस नहीं लगाना, चिल्ड्रन खुल पुरलर, चाइल्ड का पुरलर चिल्ड्रन, तो एस नहीं लगाना है, पुरलर अपने, उसे क्या बोल देंगे? क्या दस विद्यार्थियों के बीच, तो क्या बोलना है? एमोंग टेन स्टूडेंट, एमोंग टेन स्टूडेंट, बोलेंगे भारत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, ठीक है ना? तो एमोंग इंडिया पाकिस्तान एंड अमेरिका, कोई दिक्कत है? अब देख एमोंगस्ट क्या देखना है, एमोंगस्ट, एमोंगस्ट का यूज एक स्थान के बीच, एक स्थान के, और तुम बोलेंगे एक स्थान कैसे होगा? जैसे बोलेंगे नदी के बीच, तो क्या बोलना है? एमोंगस्ट लीवर, एमोंगस्ट लीवर, बोलेंगे तालाब के बीच, तो एमोंगस्ट पॉन्ड, समझ लो आ गया? उसी का बोल देंगे, मान लो बोले खेत के बीच, तो क्या जाएगा? एमोंगस्ट फील्ड ना हो जाएगा, तो समझ गया ये? बोलेंगे उसी का बोलेंगे क्या? मंदिर के बीच, तो क्या जाएगा? एमोंगस्ट टेम्पल, तीनों समझ गया? कोई दिक्कत? जो बोले लिख लेना, हम लिखे ना, कोई दिक्कत है? अब आगे देख, आगे ध्यान दे, अब पढ़ रहे हैं ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं? ऑफ मतलब तीन चीज होता है, एक होता है का के की, और मतलब एक होता है मैं, एक होता है से, तीनों को अथी पढ़ाए थे, जब हम केस पढ़ा रहे थे तो का के की बताए थे ना, एक होता है मैं, एक होता है से, क्या होता है? मैं से, और एक होता है से, एक क्या होता है? से, भाई तुमको बता चुके हैं, जब कोई बीमारी से मर जाएगा तो देना ओप, क्या देना है? नहीं बताया अच्छे, जब बीमारी से मर जाए, बीमारी से, जब बीमारी से जिंदा है तब फरोम, अब बीमारी से मर गया तो क्या देना है? तो बीमारी से मर जाए, बीमारी से मर जाए तो क्या देना है? ओप, क्या देना है? अब समझ, का के की, जैसे बोलेंगे क्या? राम का गाय, राम का गाय, तो का के यहाँ जाना है, का के रहेगा तो उल्टा बनाना है, कैसे बनाना है? तो यहाँ पर गाय पर लिख द काव, क्या लिखेंगे? द काव, और का के ओफ, काव के ओफ, राम के राम। लेकिन जब तुम लोग को ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब सजीव हो, तो राम यहाँ क्या है? सजीव है, कि जब सजीव हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी दे देते हैं तब भी सही होता है, बताए थे ना? इसके इसको हम लिख सकते हैं क्या? राम्स, राम्स एपोस्ट्रोफी एस का लिख सकते हैं। उसमें क्या मान लो बोलेंगे नदी का पानी, नदी का पानी, नदी का, तो उल्टा 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 बनाना है, तो द वाटर, क्या जाएगा? द वाटर ऑफ रिवर, द वाटर ऑफ, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि नदी सजीव नहीं है, इसलिए यहाँ एपोस्ट्रोफी एस। उसमें क्या बोल देंगे? क्या उसी का बोल देंगे कि इस वृक्ष का फल, इस वृक्ष का, तो द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, बोल देंगे क्या? बोल देंगे भारत के लोग, भारत के, तो द पीपल, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ, कोई दिक्कत है? तो का के की समझ गया ना? हाँ, बोलेंगे सीता की किताब, तो द बुक ऑफ सीता, द बुक ऑफ सीता, समझ गया ना? उसे क्या मान लो बोलिए उन लोगों के गाय, तो क्या जाएगा? तो हो जाएगा उन लोगों के क्या गाय, तो द काउ ऑफ देम, देम क्या होगा? देम होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव
क्या समझ आ गया ना? आप समझते हैं मे से, क्या समझते हैं मे से का यूज कहाँ होगा? तो मे से का ऑफ मतलब मे से कब होगा? तो जब कोई झुंड में से, कोई समूह में से किसी को चुन रहा है, तब देना है वहाँ मे से का अर्थ देना है क्या, ऑफ क्या देना है, यानी जब किसी झुंड यानी समूह है उसमें किसी एक को सेलेक्ट कर रहा है, या किसी को भी झुंड में भी किसी पाँच छः को सेलेक्ट कर रहा है, किसी को उठा रहे हैं झुंड से समूह से, तो वहाँ मे से का अर्थ देना है ऑफ क्या देना है। जैसे बोल देंगे क्या, जैसे यहाँ पर मान लो बोल दिए नेताओं में से एक, नेताओं में से तो नेताओं मतलब कोई चीज, बहुत सारे नेता हो गया, लेकिन नेताओं में से एक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ गया मे से, क्या हो गया, तो मे से का देना है क्या ऑफ क्या देना है। इन्हें तुमने सुना कि मे का दे देंगे क्या, मे का दे देंगे इन, और कासे का दे देंगे फ्रॉम, दे देना गलती कर देना, मे से का क्या होगा ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑफ रे बंदर। जब भी ऑफ देते हैं तो उल्टा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उल्टा, तो इधर से बनाना शुरू करेंगे तो आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा वन ऑफ लीडर्स, समझा तुम लोग समझा, मोबाइल में मोबाइलों में से एक, तो वन ऑफ मोबाइल, वन ऑफ तुम लोगों में से दो, तुम लोगों में से दो, तो टू ऑफ यू, टू ऑफ यू, समझा तुम लोग। उसी प्रकार मान लो बोल दिए क्या बच्चों में से दस, बच्चों में से तो टेन ऑफ चिल्ड्रन, टेन ऑफ को दिक्कत है, बीमारी तो बीमारी पहले बता चुके हैं, जैसे वह कैंसर से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, वह वह एड्स से मर गया तो ही डाइड ऑफ एड्स, वह बुखार से मर गया तो ही डाइड ऑफ फीवर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो अपना समझ गया ना। आगे देख ओ बंदर, यहाँ रे अंदर, चलो अब ध्यान दो, अब पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे इन, मतलब होता है मैं, क्या होता है इन मतलब मैं, ठीक है ना, और इनटू मतलब भी मैं होता है, इनटू मतलब भी क्या होता है मैं, अब दोनों मतलब मैं है तो जरूरी ना है कि दोनों के एक जगह यूज होगा, यानी दोनों का अलग अलग यूज होगा, तो आप पढ़ना है कि इन मतलब भी मैं, इनटू मतलब भी मैं, तुमको पढ़ाए थे ऑन मतलब पर और अपन मतलब पर, पढ़ाए थे लेकिन दोनों पर अलग अलग था, पढ़ाए थे दोनों पर का क्या था, तो स्थित है तब क्या था ओन, क्या था, लेकिन जब किसी पर छलांग मार रहा है गति में है तो क्या कहते हैं अपोन, क्या था, तो वही यूज यहाँ पर होगा, जब किसी के अंदर घुस के आराम से बैठल है, यानी किसी के अंदर आराम से स्थित है घुस के, तो क्या होगा इन, क्या होगा, लेकिन किसी के अंदर जा रहा है गति में, किसी के अंदर गति में जा रहा है तो क्या देना है इनटू, क्या देना है, जैसे तू बोलेगा मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ, तो क्या बोलना है आई एम इन हाउस, हो गया ना, लेकिन मैं घर में जा रहा हूँ तो गति में है ना, तो क्या देना है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग इनटू हाउस, इनटू हाउस, मैं नदी में हूँ, तो यहाँ पर गति पता चल रहा है, यहाँ मैं नदी में हूँ तो पता चल रहा है कि दौड़ रहा है कि खेल रहा है, तो समझ जाना स्थित है क्या है, तो बोलना आई एम इन द रिवर, आई एम इन द, लेकिन बोलेंगे मैं नदी में तैर रहा हूँ तो तैरेगा तो क्या स्थित रहेगा, कोई नदियाँ जब तैरेंगे तो स्थिर रहेंगे, तो गति में रहेंगे ना, तो गति में है तो क्या इनटू, क्या देना है, तो देना है आई एम स्विमिंग इनटू द रिवर, आई एम स्विमिंग इनटू द, मेढक कुआं में कूदा, तो कूदा तो क्या आराम लटकर रहेगा, आराम से स्थित रहेगा, कि गड़ा से ना गिर जाएगा ना, गति में रहेगा ना, तो गति में है तो इन देखे इनटू दे, इनटू तो क्या देना है फरोग जंप्ड, फरोग जंप्ड इनटू द कुआं के, कुआं कौन सी, चलिए बता, वाल, वाल मतलब दीवार होता है ना, वाल मतलब दीवार होता है, मेरा भी दिमाग से उड़ गया, चलिए बता कौन सी कुआं का होता है, वाल डब्ल्यू से कुछ, चलो कुछ कुएं मान लो, ठीक है ना, मेरा भी दिमाग में ना आ रहा है, ठीक है ना, और बता ऐसे मान लो दे दिए क्या वह छत, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं, वह घर में प्रवेश किया है, तो बता चुके हैं, बता चुके हैं ना, ऐसे मान लो दे दें क्या, मान दी आप दे दिए क्या वह स्कूल में अथी वह कमरा में जा रहा है, वह कमरा में तो जा रहा है तो गति में है, तो क्या देंगे ही इज गोइंग इनटू द रूम, इनटू द रूम, लेकिन देखेंगे वह कमरा में है तो यहाँ पता चल रहा है गति नहीं पता चल रहा है, तो क्या देंगे ही इज इन द रूम, को दिक्कत है, तो इन आई इनटू समझ गया, इन का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो देख यहाँ पर
यहाँ ढंड इनका प्रयोग करते हैं बड़े बड़े शहर के साथ, बड़े बड़े शहर के साथ, बड़े बड़े शहर, शहर हो गया या राज हो गया या देश हो गया, जिसके साथ करेंगे इनका प्रयोग। क्या करेंगे ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पटना में, पटना में, तो पटना बड़ा शहर है हाँ। तो क्या देना है इन पटना, क्या देना, मुंबई में, तो इन मुंबई, कोलकाता में, तो इन कोलकाता, समझ आ गया, बिहार में तो राज है ना, तो इन बिहार, इन बिहार, महाराष्ट्र में तो इन महाराष्ट्र, यूपी में तो इन यूपी, उसी प्रकार देश, तो इंडिया में तो इन इंडिया, पाकिस्तान में तो इन पाकिस्तान, चाइना कोरोना में तो इन चाइना, ना होगा इन चाइना, समझ आ गया तुम लोग को। उसी प्रकार मान लो छोटा है, जैसे मान लो हम लोग का गाँव क्या है, रतनपुर है, तो छोटा जैसे रहेगा रतनपुर में, तब क्या देना है, क्या बोलते हैं, आई लिव एट रतनपुर, दिमाग ने काम कर रहा है, बोलता है लेकिन भूल गया, तो जब छोटा चीज रहेगा तो देना है एट, क्या देना है, समझाया तुम लोग को, छोटा सी रहेगा तो क्या देना है, तो गांव ऊ रहेगा, क्या रहेगा, गांव कू रहेगा, यानी छोटा शहर रहेगा, छोटा बाजार रहे या गांव रहे, तो देना है एट, इनके इनके यहाँ पर क्या देना है, एट, क्या देना है, यानी मे के अर्थ में क्या देना है, तो मे के लिए देना है एट, क्या तुम लोग बोलो करता है कि तुम कहाँ से, तो क्या बोलते हैं, आई लिव एट रतनपुर, कभी बोला है कि आई लिव इन रतनपुर, नहीं बोला है, समझा गया तुम लोग को, तो जब छोटा स्थान रहेगा तो वहाँ देना है क्या, मे के देना है एट, मे का क्या देना है, एट देना है, कोई दिक्कत, और लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, लेकिन हम यहाँ ध्यान दें, अभी क्या बोले पटना में, तो क्या बोले इन पटना, बोले थे ना, अभी बोले बिहार में, तो क्या बोले इन बिहार, लेकिन अभी देखो पटना के साथ हम एट का यूज कर सकते हैं और बिहार के साथ भी एट का यूज कर सकते हैं, कब करेंगे, तो यहाँ ध्यान दे, जब दो दो यहाँ ध्यान दे, जब दो स्थान का नाम हो, क्या, जब दो स्थान के नाम हो, तो जो उसमें छोटा स्थान रहेगा उसके साथ देना है एट, क्या देना है, और जो बड़का स्थान रहेगा उसमें क्या देना है, इन, क्या देना है, इसे मैं यहाँ पर मान लो दे दिए, क्या मैं, क्या दे रही है, मैं बिहार में पटना में हूँ, मैं बिहार में पटना में हूँ, तो बता बिहार में पटना में, तो बिहार बड़ा है कि पटना बड़ा है, बिहार बड़ा है, जानवरे है बड़ा, पटना तो बिहार के अंदर है, बिहार में तो कितने बड़ा शहर है, भागलपुर मुजफ्फरपुर जितना भी हम लोग तो बिहार में है, तो कौन बड़ा हुआ, बड़ा हुआ बिहार, क्या हुआ, पटना हो गया छोटा, पटना क्या हो गया, तो यहाँ पर जब दो शहर आ गया, अभी हम क्या दे रहे थे, पटना में खाली था, अकेला था पटना, तो दे रहे थे इन पटना, क्या दे रहे थे, लेकिन यहाँ दो आ गया, और जो बड़ा है तो बिहार बड़ा है, पटना छोटा है, तो होगा एट पटना इन बिहार, समझा तुम लोग, अभी बिहार के साथ क्या लग रहा है, इन, क्या लग रहा है, और तुम मान लो चल गए दूसरा देश, कोई पूछा तुम कहाँ से हो, तो बोलेगा इंडिया में बिहार में, बिहार ना है, इंडिया में बिहार से, इंडिया में ना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन इंडिया एट बिहार, अभी हम इंडिया अति बिहार के साथ क्या दे रहे थे, इन दे रहे थे, लेकिन अब बिहार के साथ क्या दे रहे हैं, एट, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया बड़ा हो गया, बिहार क्या हो गया, छोटा, क्या हो गया, छोटा, कोई दिक्कत है, अब यहाँ ध्यान दे, ना हो पाएगा कि चलिए इतना कल पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, बारिश होने का आनंद रोक रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, ऐसे तो आज ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन बारिश का कारण